ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 13 नवंबर 2020, फ्राइडे है, सुबह के 8:35 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। इसके बाद 3 दिन की छुट्टी आ रही है दिवाली की। तो जो अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है लास्ट 8 डेज से, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एक देखना लाजमी है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ओवरनाइट पोजिशन नहीं रखते, खासकर जब छुट्टी का टाइम आ रहा हो तो। तो यहाँ पर आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है निफ्टी इंडेक्स का इस वीक का। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 12 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 12,684 और ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 12,769। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ये दो लेवल के बीच में ओपन हुआ, और इसके बाद ब्रेकडाउन लेवल जैसे ब्रेक हुआ, ये फर्स्ट टारगेट 12,660 यहाँ पर अचीव हुआ। इसको काफ़ी देर ये पेनेट्रेट करते रहा, उसके बाद 12,637 जो कि सेकेंड टारगेट था ये भी अचीव हुआ। यहाँ पर ही इसने एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट किया और बाउंस बैक दिखाया। पूरा दिन ये जो रेंज था ब्रेकडाउन से लेके सेकेंड टारगेट, इसके रेंज के बीच में ये ट्रेड होते रहा। काफ़ी एक इनडिसिजिव पैटर्न देखने को मिला, डेली चार्ट पर डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं क्विकली। कल भी अमेरिकी बाजार में वहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि वैक्सीन के बारे में अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन जो पेशेंट्स का नंबर्स है वो लगातार वहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यूरोपियन मार्केट्स भी कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। एशियाई बाजार देखे तो एसजीएक्स निफ्टी 81 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और जापानीज इंडेक्स 274 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर भी देखे तो 51 पॉइंट की गिरावट इस समय दिखा रहा है। एक जबरदस्त अपसाइड मूव के बाद यहाँ पर एक करेक्शन आना तो लाजमी होता है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हमेशा की तरह वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। आरएसआई वर्सेस प्राइस एक्शन को हमने कल कंपेयर किया था। आरएसआई 70 यानी जो ओवरबॉट जोन माना जाता है आरएसआई का, 70-100, इसी के पास आते ही ऊपर प्राइस एक्शन में एक करेक्शन देखने को मिलता है। ये इस तरह से कल हमने देखा था, 70 के पास जब भी आता है तो एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है, ये इस तरह से। ये आप देख सकते हैं नीचे आरएसआई प्लॉट किया है, आरएसआई इंडिकेटर, और ऊपर प्राइस एक्शन है। तो अभी ये 70 के पास आ चुका है और ऊपर फिबोनाची एक्सटेंशन का जो 61.8% का लेवल है, ये इसी के पास हो सकता है एक रेजिस्टेंस, एक हर्डल फेस करे। आज लास्ट डे है, वीक कंप्लीट नहीं हुआ, ये कैंडल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो देखते हैं क्लोज कहाँ पर होता है, इसके नीचे या फिर इसके ऊपर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है 12,650 के पास। चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करके देखा था, इसका ये जो स्विंग लो है, ये हाई, ये स्विंग लो, तो 100% का ये जो लेवल यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर ये 12,770 के पास है, इस पर डेली चार्ट का ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल हमें प्रोजेक्ट कर रहा है लेवल्स, इसके हिसाब से 12,770 के पास इसने हर्डल फेस कर सकता है। कल इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है, यानी प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में ये ट्रेड हुआ है और डोजी कैंडल बना है। डोजी जब जब कैंडल बनता है तभी एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर की तरफ और जाएगा या फिर नीचे की तरफ। डोजी बनना यानी इनडिसिजिव पैटर्न। यहाँ पर बुल्स और बेयर्स में टफ फाइट चालू है। तो यहाँ पर अभी ब्रेकआउट के लिए ऊपर 12,770 और इसका ये जो लो बन रहा है 12,571 इस ग्रीन कैंडल का, ये हमारा ब्रेकडाउन के लिए एज ए काम कर सकता है।
तो अगर यहाँ से एक और करेक्शन गिर रहा था तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये जो अपसाइड मूव है इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाले, तो 23.6% का लेवल 12,478 के पास आ रहा, ऑलमोस्ट 500 के पास। तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 12,500 का होगा, 12,478 टू 500, और ये लेवल ब्रेक होता है तो करेक्शन और गहरा था वो हमें नज़र आ सकता है। तो फिलहाल ऊपर के लिए ब्रेकआउट होगा 12,770, और नीचे 12,500 ब्रेक करता है तो करेक्शन और भी नीचे की तरफ हमें टूवर्ड साउथ की तरफ ले जा सकता है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं क्विकली 60 मिनट की चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आर्ली चार्ट देखें तो कल एक ही लेवल पे आर्ली चार्ट में ये लगातार 12,672 90 के आसपास ही ये क्लोज हो रहा था। ये क्लियरली आर्ली चार्ट में आप देख सकते हैं इंडिसिजिव पैटर्न था, जहां पर ओपन हो रहा था वहीं पर आकर क्लोज हो रहा था। तो अभी यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो चुका है, 2 दिन का ये रेंज क्रिएट हुआ। तो इसका अगर लोअर बैंड देखे तो ये अराउंड 12,590 के 8 के पास आ रहा है। अगर आज गैप डाउन ओपन होता है तो मल्टीपल सपोर्ट है, S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, फिर 20 EMA, ये पिंक लाइन है, ये 20 EMA का लाइन है, वो भी उसी लेवल के पास आ रहा है। तो इन सबको अगर कंफर्टेबली ब्रेक कर देता है निफ्टी इंडेक्स, यानी 12,613 के नीचे अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,592, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,569, जो कि पिवट पॉइंट का S2 का लेवल है। अगर एक्सट्रीम गैप और डाउन ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, जब फिर से ये ब्रेक करे इन लेवल्स को तभी एंट्री लेने की कोशिश करें। और ऊपर की तरफ जाना है तो ये जो अपसाइड ये जो रेंज बना है इसका अपसाइड ब्रेकआउट लेवल बन रहा है 12,715 के पास। अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,734, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,748, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड।